ऐसा खोल कर पढ़ ले। और जब हम अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ईमान रिवाइव हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क। कुरान शिफा है बिकॉज हमारा ईमान इजाफा कर देता है। और जब हमारा ईमान इजाफा हो जाता है तो तब हम फिर जो नेगेटिविटी हमारे अंदर थी वो खत्म हो जाती है। और जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो हमारे पास पीसफुल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी में रिलैक्स करते हैं और रिपेयर करते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं। दिस इज हाउ द शिफा वर्क्स बिकॉज ऑफ व्हाट इज बीइंग, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में हैं वो लिब्रेट होना शुरू होते हैं कुरान पढ़ने से। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये नहीं कि आप उसको घोल कर पी लें या तावीज बनाकर रख लें तो शिफा है, कुरान पूरी मुकम्मल तौर पे शिफा है। इट्स नॉट दैट वे। आपके अंदर असरात पैदा होते हैं कुरान पढ़ने से, पॉजिटिव हार्मोन्स शुरू होते हैं आपके अंदर प्रोड्यूस होने प्रोडक्शन शुरू होता है, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर का टाउन बदल जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क एज ए शिफा। इट इज कुरान शिफा है, कुरान हिदायत का रास्ता है। एक हुरूफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलते हैं कि हमको नेकियां मिलते हैं, इंसान को नेकियां मिलते हैं। हम हमारी नेकियां उठाकर हम मरहूम को नहीं दे सकते। अगर वैसे होते तो फिर हम नमाज भी पढ़ने, खाली कुरान क्यों पढ़ते हैं आप? तो नमाज भी पढ़े, नमाज पढ़ पढ़ कर उनके लिए बख्शते जाए। तो जो भी आप नेक काम करते रहे उनको बख्शते जाए कि ये उनको मिल जाए, ये उनको मिल जाए। वाई ओनली कुरान? वाई ओनली कुरान? नमाजें भी पढ़े, फिर रोजे भी रखते जाए। वाई जस्ट ओनली कुरान? वाई लिमिट योर सेल्फ ओनली टू कुरान? ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को सही करना चाहिए हमें। हम सब मिलकर इस कॉन्सेप्ट को सही करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कॉन्सेप्ट है। कुरान के साथ ये मामला नहीं होना चाहिए। कुरान के साथ असल मामला जिसके लिए कुरान आई है वो मुकम्मल करें। कुरान हमें बख्शाएगी। जो जिंदा इंसान पढ़ता है, खबर में उसके लिए नूर बनेगी, खबर में उसके लिए बेहतरीन दोस्त का साथ बनकर आएगी। इसीलिए जिंदा लोग कुरान पढ़ते हैं, अपने आप को रहनुमाई कराने के लिए, खबर में उसका साथ पाने के लिए। आखिरत में शिफात करती है कुरान, आखिरत में दोजख से बचने के लिए, इस चीजों के लिए है कुरान। तो लोगों को ये पॉइंट समझाए, आप पहले खुद समझे तब जाके आप लोगों को समझाए समझा पाएंगे। ऑलराइट, कोई हदीस साबित नहीं होती कि इस तरीके से खाना पका कर खिलाएं या फिर कुरान पढ़ कर बख्शें, आप अपने घर में पढ़ लें उसका सवाब इधर लेकर आए और यहाँ से वो लोगों को बांटें वो सवाब। ये सब लोगों ने बनवा लिया अपने आप से। उनसे पूछे कि कहाँ है ये सारा कस्टम, किधर, कौन सी हदीस इसको सपोर्ट करती है। जी डॉक्टर नसरीन। या एक्चुअली इसके बारे में हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है, जस्ट फ्यू पॉइंट्स जो अभी मैंने दोबारा से ग्रुप में डाला है कि हम लोगों को ना, जैसे अभी आपने बताया कि इसका कंसेप्ट हमें समझना है कि व्हाट इज परमिसेबल एंड व्हाट इज नॉट। एक महफिल जहां पर आप कुरान को एज अ हिदाया, एज अ लर्निंग टूल लेकर आप बैठ रहे हैं तो वो परमिसेबल है, सुन्नत से साबित है कि आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द शरिया आप ये कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है कि हम नेकियां करेंगे और हमारे डिजीज जो हमारे फौत हो गए, हमारे जो इमीडिएट फैमिली है उनके लिए देर इज अ सेपरेट कैटेगरी जिसमें हम एज अ सवाबे जारिया का जो डिग्री है वो काम अगर हम जब करते हैं, हम जो भी नेक अमल करते हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह का जो तरीका है वो इतना वसी है कि अल्लाह ताला डेफिनेटली उनको अजर दे रहे हैं विद यू डूइंग द गुड डीड्स। आप अभी कुरान तफसीर कर रही हैं, आप कुरान पढ़ रही हैं, आप सीख रही हैं, तो ये सब एक अमाले साले हाथ में जा रहा है तो उसका अजर बिइज़्निल्लाह उनको मिलेगा। बट ये जो रस्में बनाई गई है ना इन, और उसको इबादत की तौर लेवल पर लेकर चले गए हैं हम लोग, वो चीज रॉन्ग है कि सारे लोग आकर बैठ रहे हैं, एक एक पेज पढ़ रहे हैं और खत्म कुरान हो रहा है, इसकी कोई दलील नहीं है। तो आप बेशक आप जितना एज अ चाइल्ड, एज अ आप इंडिविजुअल आप जितनी नेकियां कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसी महफिलों में जा रहे हैं जहां पर कुरान आपको सीखने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है, तदब्बुर करने का मौका मिल रहा है, सो दैट इज रिकमेंडेड एंड प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन वो जो एक
माहौल बनाया हुआ है हमारे तरफ के मरने के बाद वो गुटलियां पड़ी जा रही हैं और एक एक बंदा जल्दबाजी में वो सिपारे कंप्लीट कर रहा है और वो एक बख्श रहे हैं और 10 बख्श रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। दोबारा से ग्रुप में हमने डाला है, इंशाल्लाह उसको ट्रांसलेट करके भी डालेंगे, मगर ये कंसेप्ट सुनने में बहुत आपको लग रहा है कि ईजी है, लेकिन इसको धीरे धीरे अभी लाइफ में लागू भी करना है इंशाल्लाह। मे अल्लाह हेल्प अस ऑल। जी शाजिया, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मैक्सिमम उन्होंने बता दिया, वो वही मैं पूछना चाह रही थी कि मरहूम लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या अगर है अपने तौर पर कर सकते हैं, अगर जैसे कुरान वगैरह नहीं पढ़ना है या तो फिर और अलग क्या कर सकते हैं। मरहूम के लिए सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज है कि आप दुआएं करें, रोज दुआ करें, चलते फिरते दुआ करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगफिरत की दुआ करना हर नमाज के बाद करें, जब दिल आपका करें, ये 24/7 है आपके लिए ओपन, इससे बढ़ के और क्या चीज चाहिए। मगफिरत की दुआ, जो कुरान पढ़कर जो बख्शते हैं, जो के बिदा है, इसमें तो आपको इजाजत है 24/7 आप खाली दुआ करते जाए, अल्लाह से मगफिरत मांगे मरहूम के लिए। तो ये सबसे पहले है दुआ मगफिरत। और दूसरी चीज, खुद उनकी औलाद जितने भी वो नेक काम करेंगी उसका अजर उनके माँ बाप को जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, यानी खुद नेक बनते जाएं। हम नमाज पढ़ें, हम रोजे रखें, हम जकात दें, हम नेक अमल करें, लोगों को स्माइल करें, छोटी सी छोटी सदका और खैरात करें, यानी जितने नेकियां हमसे बन सकते हैं, सिले रहमी करें जो मरहूम है उनके बहनों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहें, उनके रिश्तेदारों को पूछें कि उनकी क्या जरूरत है, ये सारी चीजें हमारी नेकियां उन तक पहुंचेंगी। जैसा माँ बाप है तो औलाद, खाला है तो खाला के घर वाला, खाला की जो औलाद पीछे छोड़ के गई है उनके ऊपर नजर डालें कि यानी कहीं वो उनको जरूरत तो नहीं है, तो हमारी सारी नेकियां उनको काम आएंगी, हमारी नेकियां उन तक पहुंचेंगी। सदके जारिया, औलाद की सदके जारिया, खाला जैसा दूर के रिश्तेदार है तो फिर आप उनके घर वालों को देखें। उसके बाद फिर हज करें, हज अगर मरहूम ने हज नहीं किया तो उनके हक में हज करवाएं, उनके हक में आप ये भी कर सकते हैं कि किताब, यानी कोई किताब लिखवा कर उनके नाम से आगे फॉरवर्ड करें, या फिर आप कुआं खोद दें, कोई वेल खोद दें, या फिर आप कोई मदरसा बना दें, ऐसे चीजें। सदका और खैरात, बेसिकली दुआएं, सदका और खैरात और हमारे अमल, ये तीन चीजें मरहूम को लगातार पहुंचते रहते हैं। सी कितनी चीजें हैं, अलग दुआएं हम हर बार मांग सकते हैं, हमारे नेक अमल, हम खुद भी बेहतर बन जाए, हमारे माँ बाप भी उससे फायदा उठा ले, और सदका और खैरात कुछ भी दिन भर आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई मुमानगियत ही नहीं है। इंसान ना सदका खैरात देता है, ना दुआएं करता है, ना खुद अमल होता है, एक बार कुरान खानी लेकर बैठ जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। सो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मेन चीज अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि सदके जारिया कौन सी चीज है, वो खुद जो इंसान छोड़कर गया है, दैट इज डिफरेंट। आप जो उनको पहुंचा सकती हैं, द मेन थिंग इज दुआ, और दूसरी चीज है कि हमारे नेक अमल अगर हमारे अपने ही हो, और तीसरी चीज है सदका और खैरात जो हर एक के लिए है, दूर के रिश्तेदारों के लिए भी यही चीज है सदका और खैरात। डू यू गेट इट शाजिया? जस्ट वन मोर थिंग, आई मीन डॉक्टर सफीना हैज कवर्ड एवरीथिंग, बट जस्ट एक और एक नुक्ता है कि अगर इनकेस आपको पता चले कि उनके कोई कर्ज वगैरह हो, उनके कोई डेट्स हो, तो आप वो भी अदा कर लें, इवन दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द मरहूम। सीमा इमरान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि ये जो जब फौतगी हो जाती है और जब मुर्दे को गुस्ल दे दिया जाता है, उसके बाद जब उसको लाया जाता है दोबारा, तो वहां पर चारों कोनों पर जो है ना लेडी सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल और इस तरह की मतलब आयत सूरतें पढ़ती हैं खड़े होकर, और मैं भी इसका हिस्सा रही हूँ, अगर जब जब कहीं फौतगी होती है मैं जाती हूँ तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो शुरू से देखती आई है। तो अब मेरा सिर्फ पूछना ये था कि ये मुझे तो जहां तक लग रहा है गलत ही लग रहा है, तो थोड़ा आप मुझे इसमें रहनुमाई करें।
ये भी बिदात है, ये सारी चीजें बिदात है कि जनाजे के सामने खड़े रहकर सूरह यासीन पढ़ा जाए। जनाजा तो चला गया, इंसान तो इस दुनिया से चला गया, कौन सुन रहा है? वो जनाजा तो नहीं सुन रहा, मरहूम तो नहीं सुन रहा, वो तो बर्दाख में पहुंच चुके हैं। हम उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा आ चुका, तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए सुना रहे हैं? उनसे पूछे आप किसके लिए सुना रहे हैं, मरहूम के लिए सुना रहे हैं, उनको आसानी पहुंचने के लिए, वो खबर में हिसाब किताब होगा उनको आसानी करने के लिए। हो गया कनेक्शन फिनिश, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो सुन ही नहीं पाते। अगर आपको करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, तो दुआएं करें, दुआ करें। ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो अभी दो दिन पहले एक लड़की ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी। वो कह रही थी कि जैसे मैयत है, वो जैसे कहते हैं कि गुसल करके उधर हैं, वो पास बैठी हुई, क्या वो जो बैठी हुई है वो लोग जैसे कुरान पाक, जैसे वो कहते हैं 2.5 पारे पढ़ लो, इतने पारे पढ़ लो, पढ़ना और उनके पास बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह वो जिक्र करते हैं ना, जैसे ऊंची आवाज में जिक्र कर रहे होते हैं, तो क्या ये भी वो ये जरूरी है? मरहूम चले गए, वो नहीं सुन सकते ना, मरहूम चला और बिदात है ये जी, नहीं ये भी बिदात है। उनको सुनाइए जो सुन सकते हैं, ये तो मरहूम है, ये चले गए, इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर क्या करेंगे सुनाकर? तो फिर बैठकर आप सारे कहानियां भी सुनाए ना कि मैंने भी उनसे यही कहा था है। जी मैंने भी यही कहा था कि जो उनकी औलाद होती है वो जो नेक सालिया रहेंगी, अगर माँ बाप ने हाफिज़े कुरान बनाया या उनको जो भी नेकी की हदायत की, वो जो रास्ते में से एक पत्थर भी जिसे कहते हैं ना हटाएंगे, तो वो उनके वालिदैन को वो सवाब जाएगा, वो अजर जाएगा। और हम खुद जो पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार करते हैं, वालिदैन की दुआएं मांगते हैं, वो जो भी हैं वो उस खुद जो औलाद है ना उनकी वो उनको जाएगा, ना कि वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, तो मैं उनको यही बताना चाह रही थी। तो फिर मैंने सोचा एक दफा मुझे तो ये है सारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे पूछ के फिर उनको बताऊंगी कि नहीं ये सब बिदत है, बिदात है, सारे बिदात है, बिकॉज इंसान मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं, वो कुछ नहीं सुनते, तो फिर आप उनको क्यों कलमा पढ़कर सुना रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला, वो जा चुके, उनके हक में अगर कुछ कर सकते हैं तो दुआएं करें। डॉक्टर नसरीन, आई गेस शी हैज समथिंग टू शेयर, सो लेट हर शेयर, देन वी विल कंटिन्यू। एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ लें, एज पर सूरह फातिर वर्स नंबर 22 इन विच अल्लाह सेज द इंटरप्रिटेशन इज बट यू कैन नॉट मेक हियर दोज इन द ग्रेव्स, यानी द प्रिंसिपल, एक जो कॉमन फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैसे कि डॉक्टर सफीना बार बार रिपीट कर रही है, मैं भी उसी के ऊपर ही स्ट्रेस करूंगी, इंसान के मरने के बाद उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती है, ना वो सुन सकता है ना देख सकता है, एक बशर की जो कैपेसिटी है दैट इज गॉन। अब आप उसके सामने मरने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, आपको लगेगा कि वो सवाल जवाब के लिए आप उसको रिमाइंडर दे रहे हैं, तो टोटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज क्लोज एंड शट। तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज जो परमिसेबल है इन टर्म्स ऑफ मगफिरत, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दुआ, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सवाब जारिया, जैसे सदका अगर आप कर रहे हैं, और ये सारी बिद्दत आप एक नहीं, मैं आपसे कह रही हूं कि हमारे कंट्रीज में 100 से ऊपर बिद्दत होंगी और वो सारी की सारी नल एंड नलिफाइड है, वॉइड है, गलत है, और इसकी कोई भी हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद नहीं है। एक चीज आप कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रेशर करे, लाइक दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि आपको कोई प्रेशर करे विद इन द फैमिली एंड रिलेटिव्स कि ये करना है, आप बहुत पोलाइटली उनसे पूछें कि इसकी कोई रेफरेंस या इसका कुछ है, बेस है, तो वो आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि आप देखेंगे कि आप ये एक सवाल आप करेंगे ना तो वो बिल्कुल बौखला जाएंगे, बिकॉज इसकी कोई भी रेफरेंस नहीं है। और अगर उन्होंने कहीं से कोई दईफ हदीस लेकर भी आ गए तो उसका भी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो बी वेरी क्लियर, आप अपने आप में यानी तसल्ली कर लें कि ये सारी चीजें जो हैं विदाउट रेफरेंस है, विदाउट बेस है। जी जी डॉक्टर, जज़ाकल्लाह खैर। ये मुझे सिर्फ एक ये चीज बता दीजिए कि आयत नंबर जो 22 है, ये आपने वो सूरह कौन सा है? सूरह फातिर है, और दूसरी इसकी रेफरेंस है सूरह नमल, सूरह 27 वर्स नंबर 80, मैं ग्रुप में डालूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। सूरह नमल की और सूरह फातिर की आयत है, वेरीली यू कैन नॉट मेक द डेड टू हियर, एकदम क्लियर कि आप मरे को कुछ भी बात सुना नहीं सकते। तो ये मैं दो सारे रेफरेंसेस इंशाल्लाह ग्रुप में डालूंगी। मुझे बस ये पूछना था कि ये जो ये क्योंकि ये जो मैंने आपसे बात करी थी कि ये सूरतें वगैरह हम पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा जो मौलाना ताहिरुल कादरी हैं, ये पाकिस्तान आते हैं जब कोई कहते हैं बहुत होता है कोई रिच पर्सन,
इनके बारे में जो मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, जब कोई रिच पर्सन पोत होता है तो फिर ये उसकी बकायदा जो कब्र खुली हुई होती है ना, ये उसके ऊपर माइक लेकर खड़े होते हैं, मुर्दा अंदर होता है और ये ऊपर पढ़ रहे होते हैं कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ ये पढ़ वो, मतलब इतनी सारी आयतें ये पढ़ाते हैं, फिर ये कब्र से बाहर निकलते हैं और फिर ये कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई ने सब कुछ पढ़ लिया, अब इनके बख्शे गए। यानी कि ये हमें इतने मिस गाइड करते हैं ना ये लोग, कि हम लोग इनको देखकर या जो जो और लोग भी हैं वो ये देखकर वो समझते हैं कि शायद हम यही काम सबसे अफजल है जो मौलाना साहब ने किया है। तो इनको रोकने का क्या कोई इकदाम हुकूमत नहीं कर सकती, कोई इकदाम मतलब और लोग क्यों नहीं कर सकते? डियर सीमा आई एम सॉरी आई एम इंटरप्ट, डियर सीमा डॉक्टर सफीन आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर, लेकिन हम ना कैन वी जस्ट अवॉइड टेकिंग नेम्स बिकॉज ये सारी रिकॉर्डिंग में जा रहा है, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स और एनी ट्रबल फ्रॉम एनीबॉडी। तो मैं आप लोग सबको सिस्टर से कहूंगी कोई भी बात आप करना चाहती है प्लीज डोंट कोट एनी नेम्स। जी ओके ये सब अलग अलग फिरके होते हैं, इनका अलग अलग अकीदा होता है, आप जानते हैं फिरके हैं, बरेलवी है और डिफरेंट सेक्ट है, तो ये उन्हीं के बरेलवी, आई थिंक दे फॉलो बरेलवी व्हाटएवर आई डोंट नो, बट इनका अकीदा डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग सेक्ट है, रसूल सल्लम ने पहले ही कहा था यहूद 71 सेक्ट में बट गए हैं, नसारा 72 में बट गए हैं और मुसलमान 73 सेक्ट में बट जाएंगे। तो उस हिसाब से हम जो देखते हैं अकीदे में बटे हुए हैं, फिक्ह में बटे हुए हैं, फिक्ह में बट जाए तो फिर भी एक हद तक ठीक है, लेकिन अकीदे में बट जाते हैं। ये लोग वही हैं जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम नूर है, आपकी कोई शैडो नहीं था आपके ऊपर, हर बार आसमान यानी क्लाउड्स आपके ऊपर हर बार क्लाउड्स रहते थे और लोग जाकर आपके यानी अभी जिंदा लोग जाकर रसूल के आगे सजदा कर आते हैं। ये सारी बातें वो कहते हैं जो कि हदीस में नहीं है, और ये कहते हैं कि वो हदीस में है, दे कोट सर्टेन हदीस और उसके बुनियाद पर ये सब चलता है। तो ये फिरके बारी में फर्क आता है और ये वीक हदीसों को इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग डिबेट। तो इट इज फॉर अस टू चूज कि हम क्या करें, हम वो अकीदा यूज करें, वो अकीदा हम फॉलो करें या फिर ये अकीदा फॉलो करें, अकीदे में फर्क आ जाता है। इसकी वजह इसी की बुनियाद पर ये चीजें डिफरेंट होती हैं और हम उनको नहीं रोक सकते बिकॉज वो अपना अकीदा फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर बड़ी बेगम। They have a question? Anybody else? एक क्वेश्चन और करूं? It seems people don't have questions today. So, what do you think we should do, Nasreen? Wind up? I think Sitara wants to ask something. Sitara and even Alia. Sitara, go ahead, please. आप पूछें। जी एक और चीज है कि ये होता है ना जब दफना दिए जाते हैं तो फिर बाज़ दफा कब्र को बहुत जैसे वो मार्बल ये वो लगा के उस तरह से करना जायज है, या बाज़ दफा हम लोग ऊपर से थोड़ी खाली जगह वो जो मट्टी है छोड़ के साइडों से उसको जरा मजबूत कर लें, और वो जो जिधर हमारा कब्रिस्तान होता है जैसे अबाउ आजाद का वहाँ हम लोग ऐसा करते हैं कि वो बाउंड्री वॉल बना के आगे गेट लगा के एक अपना वो कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो ये सब करना तो नहीं है ना सेफ्टी के लिए कि वहाँ बारिशों का वो ना हो या वहाँ कुछ मतलब मरहूम की सेफ्टी के लिए बाहर जैसे पानी खड़ा हो जाता है या कुछ होता है तो उसको ठीक करवाना करना ये तो बिद्दत नहीं आएगा ना कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में जहाँ दफना देते हैं कब्र और कब्र का जो एरिया बाउंड्री वॉल कर देते हैं उसकी बात कर रही हूँ। डॉक्टर सफीना कैन आई आंसर दैट? हेलो डॉक्टर सफीना, आई थिंक शी इज नॉट देयर, आई थिंक उनका नेट प्रॉब्लम चल रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इस्लामिकली हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम एक पक्की इरेक्शन करें कब्र के ऊपर,
इनफैक्ट उसको कच्ची रख के थोड़ा सा बस ऊपर उभारने वाला तरीका जो है वो शरिया के अंदर अलाउड है. उसके ऊपर कॉन्क्रीट लगाना और मार्बल से सजाना, उसको ऊंचा करना, उसके ऊपर अननेसेसरी नाम लिखना, इंफॉर्मेशन लिखना, ये सब की दलील नहीं है. इनफैक्ट हदीस के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि जितनी भी ऊंची हुई या ऐसी बिल्डिंग और बाकायदा इमारत बनी है उसको फ्लैटन कर दिया गया है. इसके रिलेटेड रेफरेंस हदीस मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डाल रही हूँ. लेकिन वर्ड्स ये हैं कि उसको लेवल अप कर दिया जाए, यानी उसको कच्ची रहने दें, उसके ऊपर कोई भी इमारत बनाने की या पक्का करने की आपको जरूरत नहीं. जितना कच्ची है दैट इज एज पर द शरिया. और थोड़ी सी साइडों से भी नहीं, ऊपर मैं आपको क्या कह रही हूँ, ऐसी फ्लैट ग्राउंड है, मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी को उभार दिया जाए ताकि पता चले कि यहाँ पे कब्र है. और एक हल्की सी तख्ती लगा दी जाती जिसके अंदर सिर्फ बता दिया जाए कि नेम और वो हेड और फीट किधर है. कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं, कोई पक्का बनाना नहीं. साइडों से मतलब वो जो उभरी हुई होती है ना, वो जैसे एक जैसे छोटी सी कच्ची जो उभरी होती है बस वही अलाउड है. ठीक है ठीक है. ताकि उसकी बेहुरमती ना हो, ये पता चले कि यहाँ पर डेड बॉडी जी जी ऊपर से कोई गुजर ना जाए, कुछ ऐसा ना हो, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी कच्ची हो और वो जिस तरीके से उसका तरीका है उस तरीके से, यानी दफनाने के बाद जो ऊपर स्लैब्स लगा दिए जाते हैं और फिर ऊपर से दोबारा से मिट्टी डाल दी जाती है और मिट्टी को थोड़ा सा उभार दिया जाता है, बस वही करना है. और एक तख्ती जस्ट टू गिव द नेम के अभी अगर उनके जो रिलेटिव्स या फैमिली आ रही है तो दे शुड नो वेर इज दिस सो एंड सो पर्सन. और बाकी जैसे हम लोग यहाँ पे तरीकाकार होते हैं ना, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखते हैं, उनके काम जो उन्होंने अच्छे अच्छे किए वो लिखते हैं, बयानात ये वो. इनफैक्ट आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगी, वन ऑफ द सिस्टर्स टोल्ड मी दिस कि उनकी उनकी फैमिली ने कराची में उनकी मॉम के लिए या वन ऑफ द पेरेंट के लिए उन्होंने बाकायदा ग्लासेस लगाए, यानी ग्लास का कंपार्टमेंट लगाया और उसके अंदर उन्होंने एसी लगाया है ताकि मरहूम को एसी मिले. अब आप सोच लीजिए, दिस इज अ रियल किस्सा, वन सिस्टर हैड टोल्ड मी जिसने करवाया है. तो मे अल्लाह गिव हिदायत टू अस. लेकिन हम लोगों को ना जो करने वाले काम है वो करने, जो नहीं करने वाले काम है ना उससे बचना है, चाहे हमारा दिमाग कितना भी हमको फोर्स करे या लोग हम पे कितना भी प्रेशर डाले. मे अल्लाह गिव अस हिदायत या रब. आशीष, डॉक्टर सफीना, द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द ग्रेव. डॉक्टर सफीना, कैन यू हियर मी? जवाब पहुंच चुका है. यस आलिया. Yes, assalamu alaikum, Dr. Safina. I have two questions, ma'am. Both regarding the same topic. The first one is, we have recently had a death in our family, and the death occurred at around 9:15, and the burial was done by 9:30. Okay. So by 1:30, sorry, in the afternoon. After that, there were several people who told us that aapne bhari dopahar mein kyun bury kiya, and you should wait until asr and all that, thoda cool ho jaye. And we had no reference that we could find for this. So I just wanted to confirm about this. The second is, a lot of people now telling my husband and all that, okay, you should go every Friday and visit the grave because the dead wait for you. Which again, we are not finding. Of course, we are recommended to go and visit. But okay, they are waiting for you to come. Iska koi deen ya sunnat se koi basis milta hai? If you can please answer, jazakallah khair. वही आके आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि 9:15 पर डेथ हुई और 1:30 तक आपने तस्लीम कर दी, दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव डन. यही चीज हमें दीन सिखाती है कि जैसे ही मरहूम गुजर जाते हैं, नेक्स्ट नमाज में जनाजे की नमाज अदा कर दी जाए. अगर वो फजर की नमाज से पहले इंतकाल करते हैं तो कोशिश करें कि फजर के नमाज में तस्लीम कर दी जाए. फजर की नमाज के बाद इंतकाल करते हैं तो कोशिश करें कि जोहर में तस्लीम हो जाए, और अगर जोहर की नमाज के बाद हुई हो तो कोशिश करें कि असर में हो. तो नेक्स्ट नमाज, जो भी नेक्स्ट नमाज होती है, इमीडिएटली वो नमाज में तस्लीम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. लेकिन क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, उनके औलाद बाहर होती है, तो उनके लिए वेट करते हैं कि वो औलाद आ जाएं और उनको आखिरी बार देख लें, तो इट्स ओके, वो भी रिकमेंडेड है. बिकॉज औलाद को अपने वालिद के ऊपर, वालिदैन के ऊपर हक होता है कि वो आ जाएं और देख लें. कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द. लेकिन कभी कभार दो दो तीन तीन दिन तक मरहूम को रखा जाता है आइस कंपार्टमेंट में, दैट इज नॉट गुड.
कि एक बंदे के लिए आप मरूम को 2-3 दिन तक रख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, जैसा जोहर के बाद नहीं असर के वो तत्वीम करें, असर में करना था लेकिन शाम में इशा में कर रहे हैं, तो कुछ वक्त के लिए इट इज डिजायरेबल, बट बहुत लंबे अरसे के लिए मरहूम को रखना दैट इज नॉट डिजायरेबल. और अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इमीडिएटली नेक्स्ट नमाज में तदफीम हो सकती है तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म. वही रिकमेंडेड है कि तदफीम को नेक्स्ट नमाज में गुसल देकर जनाजे की नमाज पढ़कर तदफीम कर दिया जाए. All right, and your next question, your second question was. Your second question, Alia. What was your second question? That the relatives they say that you should go and visit the dead because they wait for you to come. Right. No, relatives wait nahi karte because as we said. कि दे आर गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो खत्म हो गया, उनका सिलसिला हमारे साथ खत्म हो गया, दे आर नॉट वेटिंग फॉर अस एनीवेयर, एटलीस्ट नॉट इन दिस सेंस कि वो आए और हमसे बातें करें, नहीं, दे विल बी वेटिंग फॉर अस, हमारी दुआएं वहां पहुंचती हैं और हमारे सदका और खैरात पहुंचते हैं, सो दे विल बी वेटिंग फॉर अस इन दैट फॉर्म कि उनके लिए भी कोई सदके खैरात आ जाए, उनके लिए भी दुआएं आ जाए, वो चीज उन तक पहुंचती है. तो हमारा और उनका कनेक्शन इसी बस सिर्फ इसी जरिए से है कि हमारे दुआएं पहुंचती हैं और हमारा सदका और खैरात पहुंचता है, और अगर औलाद है तो नेक अमल उनके पहुंचते हैं. एवरी फ्राइडे जाकर खबर में जाना और उनसे बातें करना ये कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है. खबर जाना चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लम ने कहा कि खबर जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, किसके लिए, खुद अपने लिए, अपने लिए जाया करो, जाकर देखो कि ये मेरा ठिकाना है, ताकि अपने आप को याद दिलाते रहा करो कि ये हमारा ठिकाना है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो हम दुनिया से दिल लगाकर क्या करेंगे, वो मकसद है कब्रिस्तान पहुंचने का. राइट, ओके, आई थिंक डॉक्टर नसरीन हैज समथिंग टू शेयर. यस, एक्चुअली जैसे आपने कहा ना, एज पर द वर्डिंग्स ऑफ द हदीथ, इट इज हेस्टन टू बरी योर डेड, यानी हमें जल्दबाजी करनी है. दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग हदीस फ्रॉम अल बुखारी एंड अहमद. एंड देन अगर कोई आपके रिलेटिव्स हैं या फैमिली वाले हैं जो गैदर नहीं हो पाते ड्यू टू द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, तो वो बाद में आकर भी या अपनी जगह से भी वो जो है उसका एक तरीका कार है कि वो नमाज जनाजा भी अपना कंडक्ट कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, एंड व्हेन दे विजिट ओवर उसके बाद भी वो उनकी ग्रेव पे जाकर दुआए खैर कर सकते हैं. उसका रेफरेंस भी हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है कि उम साद के एक मंथ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ग्रेव पे जाके दुआ की थी. सो द मेन पॉइंट हियर इज के बरी एज सून एज पॉसिबल, हेस्टन टू बरी योर डेड, यानी हमें जल्दबाजी करनी है दफनाने में. और जनाजे की नमाज अगर छूट गई, यानी औलाद जनाजे की नमाज नहीं पढ़े हैं, तो वो चाहे तो जनाजे की नमाज अदा कर सकते हैं. ये भी कुरान, ये भी हदीस से रेफरेंस आता है. जी रजिया खानम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात. माय क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप द पीपल हु आर फॉलोइंग पीर एंड ऑल, how to convince them, because they give that they want to say that we are on sirat al mustaqim and allah kehte hai ki wo zahir hai wo batino, to ye diseased log batino mein pahunch gaye hain and all. To be seriously speaking, honestly speaking, ye kaam main khud nahi kar payi, because hum nahi kar sakte kisi ko bhi, inke aqeedah different hote hain, hum khali unko bata sakte hain, स्पेशली आपके अपने रिलेटिव जो है उनको बता सकते हैं, जो पीर मुर्शिद होते हैं, अगर हाँ आपके कोई अच्छे टर्म्स हो तो फिर बेशक आप जाकर उनको बताएं कि ये अकीदा हमने ये पढ़ा है और आप जो कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो क्यों है, तो फिर वो आपको कोई ना कोई हदीस, ज़ईफ हदीस का हवाला दे देंगे कि ये है हदीस, तुम्हारे पास नहीं पढ़ाई जाती, हमारे पास पढ़ाई जाती है, इसीलिए हम सही रास्ते पे है. यू कैन नॉट डिबेट, दिस इज फॉर द स्कॉलर्स टू डू इट. तो हम उनको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर उनमें से कोई हमारे अपने हैं तो हम उनको बता सकते हैं. पहले खुद नॉलेज गेन करें, डीपर नॉलेज गेन करें, बिकॉज दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो आपको जवाब देने के लिए तैयार होनी चाहिए.
तो खुद अपने आप को इसके लिए तैयार करें, अंडरस्टैंड द अकीदा वेरी करेक्टली, उसके बाद फिर जाकर आप उनको समझाएं। कोई भी बात जो हमें नहीं समझ आती और हमारे पास खुद कम नॉलेज है, हम उनको क्या बताएंगे? इफ आई वॉन्ट टू करेक्ट यू, I have to have a complete knowledge on that topic. Unless and until I have a complete knowledge on that topic, how can I convince you? You might turn back and ask me questions. So, फिर उन सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगी अगर मेरे पास knowledge नहीं है? But if I'm completely equipped with the knowledge, and in turn, if you ask me other questions based on the same topic, I might be able to answer you. Do you get that? जी 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 actually they are my sister only. I joined the class what you did it on the orientation also for them. They are teenaged girl and they are so blindly believing those things. I can't convince them at all. Yes, you have to learn better. First equip yourself. You learn, you gain knowledge. तो जैसे जैसे आपको knowledge मिलती जाती है, same knowledge you share with them. You don't try to change them. Please don't try to change them. Just share your knowledge with them. आप उनको बताएं, आज हम ये पढ़े हैं, आज हम ये पढ़े हैं. Just keep on sharing your knowledge with them. Since she is young and she is your own cousin, you can influence her very easily. So all you have to do is whatever you study, all the aqeedah, jo unko wo different follow karte hain, to keep that in mind. Aur jo bhi aap study karte hain classes mein, with references aap lekar jaakar unke saath share karte jaye, unko explain karte jaye. So that will help, inshallah. Can I add one thing here? Jazakallah khair. Razia, I would like to add one thing here. What happens, you know, normally hum agar kisi ko kahe na ki aap galat ho aur hum sahi hain, that is the time they start being defensive. Even hamare Nabi sallallahu alaihi wasallam ka tarika kya tha, and even in the Quran it is mentioned that come to terms. Yani there may be few things that they will agree to. So the best thing that you can do is, as Dr. Safina said, सबसे पहले आपको अपनी knowledge को upgrade करनी है, और फिर आप as a corrector या as a rectifier या as a judge आप उनके साथ approach नहीं करोगी. You will continue doing what you are doing and you will add the flavor of your knowledge. और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप कुछ कमाल नहीं कर रही हो. यू आर मेकिंग सिंसियर दुआ, योर इंटेंशन इज टू प्रोवाइड देम विद सम गुड एविडेंसेस एंड ब्रिंग देम ऑन द राइट ट्रैक बेदनल्ला. बट ये करने के लिए आपका जो तरीकाकार होगा वो उनको इंस्टिगेट करने वाला नहीं होगा कि आप गलत हो और मैं सही हूं. आप उनके साथ कम टू कॉमन टर्म्स, फॉलो व्हाट यू आर फॉलोइंग एंड स्लोली स्लोली इम्पार्ट द नॉलेज. उनके तरफ धीरे धीरे नॉलेज इंजेक्ट करना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, हार्श रूड कमेंट्स नहीं होंगे. जी जी ठीक है. एक आयत पढ़ाई थी तफसीर, आई थिंक सूरह अनकबूत में, उसमें अल्लाह सुब्हान ताला मेंशंस के अहले किताब के साथ और मुशरिकों के साथ डिबेट करो इन नरम तरीके से, मुलायम तरीके से. डिबेट इन अ सेंस, उनसे सवाल पूछो और उनको जवाब दो. हमारे जो पास है वो चीज उनको बताओ, और वो बोले कि नहीं ये गलत है तो आप बोले नहीं ये सही है. गिविंग एविडेंस, दिस इज हाउ वी नीड टू refute them. आपको आना चाहिए उनकी बात को refute करना आना चाहिए. This is what Allah Subhanahu Taala taught us to do. लेकिन नरम तरीके से, बहुत ही मुलायम तरीके से, ताकि वो offended feel ना हो. वो यानी इंसान को चाहिए कि वो गुस्सा ना दिलाए सामने वाले person को. जब वो गुस्सा दिलाता है, गुस्से में जब वो डायरेक्टली, अभी जैसे नसरीन ने कहा, डायरेक्टली आप नहीं कह दो, वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है. डोंट लेट हिम एंटर इनटू डिफेंसिव मोड. एक्ट एज इफ आप आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत के दौरान समझा रहे हैं. सो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं जो आपको सीखना होगा. एवरीबडी शुड लर्न दैट, नरम तरीके से अख्तियार करते हुए, नरमी से. आप उनको ये ना कहें कि आप गलत कह रहे हैं, बट वो जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप उनको कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई हदीस उनको सुनाए. रिफ्यूट देम थ्रू एविडेंसेस इन अ वेरी काम मैनर. एनी अदर क्वेश्चन?
जी सीमा इमरान जी, मुझे बस एक बात और पूछनी है, वो ये कि जो मरहूमीन फोत होते हैं जिनका जब तक कोई जनाजा नहीं उठता लोग मूवीज बनाते हैं, ऑनलाइन दूसरों को दिखाते हैं, और बाद में फिर उसकी पूरी जो पिक्चर्स बनती हैं उन्हें बकायदा वो फोटोशूट करते हैं, उस पर गाना लगाकर वो स्टेटस पे भी लगाते हैं और अपने मिलने वालों को भी भेजते हैं। ये नया तरीका एक आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें। क्या गाइड करूं मैं, शादी की मूवी बनती थी, अब मौत की मूवी बन रही है। चले वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, तरक्की हो रही है ना हमारी। पहले शादी की मूवी बनती थी ताकि जब बैठे जब देख सकते थे, अब मौत की मूवी बन रही है। क्या कर सकते हैं, इट्स टोटली विदाउट, क्या करेंगे हम। शादी के मूवीज बनाना इट्स नॉट अलाउड, अब ये भी बनाना है, इसकी मूवीज बना रहे हैं, ये भी विदाउट है, क्या कर सकते हैं, कैन वी डू एनीथिंग। बट हाँ, ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को रोक लें, हम ना करें ऐसे ऐसे चीजों में, और जहां तक हो सके हम उनको भी बताएं कि क्या करेंगे आप बार बार ये मूवीज देखकर। शादी की मूवी फिर भी आप देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन ये देखकर क्या करेंगे, कितना गम आपके अंदर से गम कम नहीं होगा। यू विल, जितने बार वो देखेंगे वो गम ताजा होते जाएगा। एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो हमें उसको भूलने की कोशिश करनी है, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन। हमें दूसरे जो जिंदा लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए हमें जिंदा रहना है, उनके हुकूक अदा करना है। लेकिन जो मरहूम गुजर चुके हैं, बार बार बैठकर उनके वीडियो देखा जा रहा है, उनकी जनाजा, तो वो दिन एवरी डे रिफ्रेश होता रहता है, एंड इट इज साइकोलॉजिकली ये बहुत गलत है एक पर्सन के लिए। यानी वो पर्सन कभी भी गम से बाहर नहीं निकल सकता। सपोज कि किसी का क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है, कोई हस्बैंड की डेथ हुई है, या समबड़ी बहुत चाहने वाली बहन थी, बहन की डेथ हुई है, तो वो उस गम से कभी बाहर नहीं निकल सकती, बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेडली यू आर वॉचिंग दैट मूवी, एंड जब जब देखो वो गम आपका ताजा होते जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब जब हम शादी की कैसेट देखते हैं तो तब तब हम खुश होते हैं, यू नो वो सारे चीजें ताजे हो जाते हैं, एंड इट्स जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अ न्यू वेडिंग डे एवरी डे, तो वो फिर भी अंडरस्टूड है। लेकिन ये तो बहुत बुरा है, आप खुद अपने आप को जुल्म पहुंचा रहे हैं, इफ एनीबॉडी इज डूइंग सच थिंग, राइट, दैट इज ऑल आई कैन से। डॉक्टर सफीना, वो पता है कौन सी दलील देते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना, हम लोगों को जो है मौत का डर दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें रिमाइंड करने के लिए कर रहे हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द सिली दलील्स दैट दे गिव, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एज यू सेड द रूलिंग इज के ऑफ कोर्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एज इट इज, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हदीद अगेंस्ट इट। एंड दूसरा, अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर वो वीडियो बनाई जा रही है कि भाई लोगों को तदफीन का कोई तरीका सिखा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो अगर वो है पर्पस तो देन इट बिकम्स परमिसेबल। बट जिस तरीके से सीमा आपने बताया ना कि लोग इसको एक नया ट्रेंड बना के लेकर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज टोटली फॉरबिडन। जी डॉक्टर, मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपने खानदान से भी आई हुई हैं, और मतलब वो जब मैंने उनसे बात करी कि ये क्या हरकत है, मतलब ये क्या किया है, तो आगे से उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि तुम्हें क्या पता कि सब्र कैसे आता है। मतलब वो मुझे ऐसा जवाब दे दिया कि मैंने कहा ओके चलो ठीक है, तुम इसमें खुश हो ठीक है, लेकिन वो बार बार व्हाट्सएप पे लगाना। उनसे पूछें कि जब जब आप ये वीडियो देखते हैं क्या आपकी कैफियत कैसी होती है, कैसी कैफियत होती है, किस कैफियत से आप गुजरते हैं, क्या जरूरी है वो कैफियत हर बार आप गुजरते जाए। आपको चाहिए कि आप अपने अंदर सुकून पैदा करें, खुशहाली पैदा करें, क्योंकि आपको दीन के काम करना है, आपको अपनी फैमिली के काम करना है। तो उनसे पूछें जिस दिन आप ये वीडियो देखती हैं तो आपकी इबादत कैसी होती है, और आपका जो अपने हुकूक होते हैं, अपने घरदारी को संभालना होता है, उसमें कितना फर्क आता है। आज दिन दैट ये सवाल आप उनसे पूछें कि उसमें कुछ फर्क आता है कि नहीं आता है, आपका गम में इजाफा होता है कि नहीं होता है, तो फिर व्हाई डू यू डू दैट। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चले छोड़ दें कि फोटो लेना खराब है, या फिर दूसरे हरकतों को हम, दूसरे चीजों को हम भूल जाएं,
लेकिन ये एक बंदा अपने आप बार बार गम में डूबना चाहता है, उनसे पूछे कि क्या आपको ये बार बार देखने से गम ताजा नहीं होता आपका, क्यों ताजा करना चाहते हैं आप अपना बार बार गम, कोई फायदा है गम ताजा करने के? अल्लाह सुब्हान ताला ने 3 दिन दिए हैं मोहल्ला, 3 दिन मॉर्निंग पीरियड दिया है ताकि हम गम बनाएं, उसके बाद इट्स ओवर, आपको फिर नॉर्मल लाइफ जीना है, तो फिर आप क्यों बार बार शोक बनाने के ऊपर अपना आमदा करती हैं अपने आप को? ये सवाल आप पूछें उनसे, एंड आई होप इट वर्क्स। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? जी एक और क्वेश्चन है, पूछूं? जी जी पूछिए, नोबडी एल्स हैव क्वेश्चंस, तो आप या गो अहेड। जैसे जुम्मे वाले दिन का कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन फोत हो जाए तो उस दिन जो फोत होने वाला है मैयत है उनसे कोई हिसाब नहीं होगा, और अगर जैसे फजर में हैं तो जुम्मे की नमाज से पहले दफना दिया जाए लेट ना, वो तो बताया कि जितना जल्दी करें सही है, लेकिन ये जुम्मे के लिहाज से कह रहे हैं कि जुम्मा चला गया, अगर लेट हो गया ना किसी वजह से तो वो कहते हैं कि जुम्मा इनका चला गया, जुम्मा इनको पूरा देना था और जुम्मे वाले दिन हिसाब नहीं होता, तो ये इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। इससे सिर्फ एक ही जवाब सवाल है मेरा, कहाँ से आई हैं ये सारी चीजें, कोई हदीस इसके ऊपर है या कोई आयत रेफरेंस है, कहाँ है ये सारी चीजों का रेफरेंस? दैट्स ऑल आई विल से, सब मनगढ़ंत है, सब मनगढ़ंत है, कहीं से भी कोई रेफरेंस नहीं आता कि फ्राइडे अगर डेथ हो गई तो हिसाब किताब नहीं होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंसान जब फ्राइडे डेथ हो जाती है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ऐसे कहीं पर कोई हदीस नहीं है। आई हैवन कम अक्रॉस, एटलीस्ट आई हैवन कम अक्रॉस एनी सच हदीस टू सपोर्ट सच थिंकिंग। जी रजिया। Yeah, I just want to share one incident. During the time of Hajj, I think it was the day of Hajj only, one of my friends, Abbu, died and everyone was crying. It was a sad moment. One uncle comes and tells ki wo haji the, aap log roye na, abhi unka ruh jaake Hajj kar rahe hain. Unka what? हज कर रहे हैं, the soul went to the रू जाकर वहाँ पर हज कर रहे हैं, as he was a haji and it is a time of hajj, so he is doing hajj, and the uncle was some maulvi type or something like that. No, haji अगर इंतकाल करते हैं तो वो उसी हालत में उनको दफनाते हैं, because वो उसी हालत में तलबिया पुकारते हुए उठेंगे उनके लिए जनाजे की नमाज है, but I don't think गुसल है उनके लिए, is it नसरी, उनके लिए गुसल नहीं है ना? नहीं उनके लिए गुसल नहीं है, अगर they are in the state of ihram तो they go in that condition only. हाँ, जो ihram के स्टेट में है तो वो उन्हें वैसे ही दफना दिया जाता है, क्योंकि वो जब उठेंगे resurrection के टाइम पर आखिरत में जब वो उठेंगे वो तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, तो उनके लिए बेहतरीन मौत होगी, बेहतरीन दोबारा से जब जी उठेंगे तो बेहतरीन से तरीके से वो उठेंगे, तो इसीलिए उनके लिए गुसल नहीं है, दैट्स इट। और वो तो ऑफ कोर्स वो अहराम के स्टेट में इंतकाल किए हैं तो उनका हज का सवाब तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो जिस हज के दौरान वो मरे हैं तो एब्सोल्युटली इंशाल्लाह बेतने लाला सुब्हान ताला उनको हज का सवाब देंगे, और वो वैसे ही काफी मतलब जो नेक लोग होते हैं जो अहराम के स्टेट में मरते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हज का सवाब देते हैं, ये नहीं कि रूह जाकर हज कर रही है, नथिंग लाइक दैट, वो नहीं सपोर्ट करता कहीं से भी कि रूह हज कर रही है। कैन आई एड वन थिंग हियर, इज दैट के नॉर्मली ये मरने के बाद ना बहुत सारी स्टोरियाज चल रही होती है उनकी, उनका यानी वो अभी ये कर रहे होंगे, अभी वो कर रहे होंगे, इसको डील करने के लिए एक स्टेटमेंट आप सिर्फ कर दिया करें कि ये सारी जो बातें हैं ये गैब की हैं और इसका इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को है, तो वो जो भी मामला है वो बिटवीन अल्लाह एंड वो बंदे के है, तो आप कोई भी स्टोरी का हिस्सा ना बने और कोई भी स्टोरी को एंथुजियास्टिकली सुन के उस पर बिलीव ना करें, दिस इज ऑल मामला ऑफ गैब,
सेकेंडली मरहुमीन के बारे में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का अलाउड नहीं है, स्पेशली द नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड, नॉट परमिसेबल टू टॉक. तो आप जो है इस इन स्टोरियों का हिस्सा ना बने, बिकॉज अनगिनत लोग अनगिनत बातें करते हैं. मे अल्लाह गिव हिदायत टू ऑल. कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फ्राइडे, देर इज अ हदीथ विच इज हसन. ओके, ये तिर्मिदी की और अल्बानी की हदीथ है कि कोई बंदा अगर नाइट को, फ्राइडे नाइट को मरता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देर इज नो मुस्लिम हु डाइज ऑन द डे ऑफ फ्राइडे और द नाइट ऑफ फ्राइडे, बट अल्लाह अज़्ज़ा व जल विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द फितना ऑफ द ग्रेव. तो ये एक हदीस का सहारा लेकर लोग ये सारी बातें करते हैं, बट हमें जो है, ऑफ कोर्स वी आर नॉट नलीफाइंग दिस हदीस, बट हम इसको एक रूट ग्राउंड पकड़ के नहीं चल रहे हैं कि उस वक्त पे मौत आना भी एक अल्लाह की तरफ से नेमा है. और जो भी अल्लाह के ये जो मरने के बाद के या जो भी ये गैब के मामले हैं, अल्लाह नोज बेस्ट. तो हम लोग जो है किसी भी जगह पे जजमेंट नहीं करेंगे बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर हदीस. सो यस, देर इज अ वर्च्यू. आई एम पोस्टिंग द हदीथ हियर ऑल्सो एंड इन द ग्रुप एज वेल. और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑथेंटिक रेफरेंसेज हैं इन रिगार्ड्स टू द टाइमिंग ऑफ द डेथ. ओके, विद दैट वी विल एंड नाउ. वैसे भी सवाल आज बहुत कम थे, इट सीम्स पीपल आर नॉट रेडी विद द क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल गो बैक टू आवर सेशंस, या तो हम डिबेट लेते हैं. विल इन्फॉर्म यू इंशाल्लाह वेरी सून कि नेक्स्ट वीक हम क्या लेंगे. टू सेशंस वी हैव लेफ्ट इट ओपन कि आप लोगों के सवाल सवाल और जवाब, आपके सवाल के जवाब देंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दैट. सो इट्स टाइम नाउ. So we'll end up. Jazakallah khair everybody. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.